पैसा और परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश ने जिंदगी के ऐसो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक काम किया करता था। प्रतिदिन ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात तक घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बिताकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना जरूरी है, मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यही दिनचर्या जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला, उसे आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी ना रही, लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को सारी दुनिया की खुशियां देना चाहता हूं, बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश बेमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने उससे बात करने तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसों की कोई कमी नहीं रह गई। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बेमुश्किल घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस टूर में बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब ये किशोरा अवस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे,
अब पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। यानी कि सीख, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।